चूंकि हमारे छोटे भाई देव के किताब के विमोचन समारोह में वो सब आए हैं, एक बार जरा ताली बजाकर माननीय विधायक जी, हमारे दोनों जनप्रतिनिधिगण, नगर सेवकगण और जितने भी नेतागण हम आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करते हुए आइए इस कविता की यात्रा को और आगे बढ़ाता हूँ। जैसा मैंने आप सबसे आग्रह किया था, ओंकार गुलशन जो मेरठ से हमारे बीच आए हैं, क्रांति धारा 1857 की पहली क्रांति की धरती है मेरठ। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अभी दो दिन पहले मेरठ में था। मैं आदरणीय ओंकार गुलशन जी को बड़े आग्रह के साथ इसलिए बुलाना चाहता हूँ कि जिस समय पर यह देश जिस मुकाम पर खड़ा है, मुझे चार पंक्तियां आदरणीय विकल जी की याद आई। उन्होंने कहीं पर लिखा था कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब ढोए गए हैं, पांव के बल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहां बोए गए हैं। आइए जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करिए। मैं बड़े भाई ओंकार गुलशन को बड़े आग्रह के साथ निवेदन कर रहा हूँ, समय की सीमा है, हम बहुत जल्दी तीनों चारों शायरों तक पहुंचेंगे। आदरणीय ओंकार जी, एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ कि तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे पागल की तरह, तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे पागल की तरह, मैं चला जाऊंगा बरसात के बादल की तरह, मैं चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे पागल की तरह, मैं चला जाऊंगा बरसात के बादल की तरह, और जानता हूं कि निगाहों से गिरा दोगे मुझे, जानता हूं कि निगाहों से गिरा दोगे मुझे, क्यों सजाते हो मुझे आंख में काजल की तरह, क्यों सजाते हो मुझे आंख में काजल की तरह। एक मुक्तक और सुन लीजिए साहब, इस गए दौर की कोई तो निशानी होगी, उस गए दौर की कोई तो निशानी होगी, अब भी आंगन में तेरे रात की रानी होगी, अब भी आंगन में तेरे रात की रानी होगी। और सोई दुनिया को जगाने के लिए नगमों से, सोई दुनिया को जगाने के लिए नगमों से, हमको आवाज में आवाज मिलानी होगी, हमको आवाज में आवाज मिलानी होगी। ये कवि शायर क्यों कविता लिखता है, क्यों शायरी करता है, एक मुक्तक के माध्यम से आपको बताता हूं। के गम को अंदाज दे रहा हूं मैं, गम को अंदाज दे रहा हूं मैं, प्यार का राज दे रहा हूं मैं, प्यार का राज दे रहा हूं मैं, मेरी गजलें तो बस बहाना है, मेरी गजलें तो बस बहाना है, तुमको आवाज दे रहा हूं मैं, तुमको आवाज दे रहा हूं मैं, तुमको आवाज दे रहा हूं मैं। और कभी कभी लोग प्यार को भी व्यापार की तरह से लेते हैं, देखिएगा कि फूल को खार मत बनाओ तुम, फूल को खार मत बनाओ तुम, जीत को हार मत बनाओ तुम, जीत को हार मत बनाओ तुम, प्यार रिश्ता है भावनाओं का, प्यार रिश्ता है भावनाओं का, इसको व्यापार मत बनाओ तुम, इसको व्यापार मत बनाओ तुम। और भाई प्रमोद तिवारी बता रहे थे कि कविता के बाद शहर को ही हासिल होता, कवि को क्या प्राप्त होता, देखिएगा बस कि हमने देखी नहीं खुशी क्या है, हमने देखी नहीं खुशी क्या है, हमसे पूछो कि शायरी क्या है, हमसे पूछो भाई राकेश शर्मा जी, हमने देखी नहीं खुशी क्या है, हमसे पूछो
कि शायरी क्या है कि बेबसी और मुफलिसी के सिवा, बेबसी और मुफलिसी के सिवा एक शायर की जिंदगी क्या है, एक शायर की जिंदगी क्या है, एक शायर की जिंदगी क्या है। और साहब शायरी किस तरह से रंग बदलती है वक्त के साथ साथ देखिएगा कि दिल को नाशाद अब नहीं करता, दिल को नाशाद अब नहीं करता, वक्त बर्बाद अब नहीं करता, वक्त बर्बाद अब नहीं करता, कि बेवफा तेरी बेरुखी की कसम मैं तुझे याद अब नहीं करता, मैं तुझे याद अब नहीं करता। अपना आदमी जब धोखा देता है तो कैसा लगता है देखो, कि आस की डोर टूट जाए तो, आस की डोर टूट जाए तो, राह में साथ छूट जाए तो, और तुझ पे गुजरेगी क्या अगर तुझको कोई अपना ही लूट जाए तो, कोई अपना ही लूट जाए तो। आपकी मरी मरी तालियों से मेरा हौसला टूटता है, मेहरबानी करके पहले कोई अपना ही लूट जाए तो। और मैं जो कह रहा था कि मैं तो याद अब नहीं करता, ये सब झूठ मूठ बात कर रहा था। असल बात की याद नहीं करता तो क्यों सुनाता ये बात आपको? असल बात क्या है कि तेरी यादों से मुंह न मोड़ूंगा, तेरी यादों से मुंह न मोड़ूंगा, उनका दामन कभी न छोड़ूंगा, और तू अगर दिल दुखा के खुश है मेरा, तू अगर दिल दुखा के खुश है मेरा, मैं तेरा दिल कभी न तोड़ूंगा, मैं तेरा दिल कभी न तोड़ूंगा, मैं तेरा दिल कभी न तोड़ूंगा। एक मुक्तक सुनाता हूं साहब विशेष रूप से, भाई साहब समापन चलिए आखिर मुक्तक। रास्ता छोड़ने में टूट गया, रास्ता छोड़ने में टूट गया, अपना रुख मोड़ने में टूट गया, अपना रुख मोड़ने में टूट गया, कि वो तो टूटा था तोड़ने में मुझे, वो तो टूटा था तोड़ने में मुझे, मैं उसे जोड़ने में टूट गया।